हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो अभी हम चल दिए रूमाल ख़रीदने के लिए। किसी ने कमेंट किया था कि रूमाल का 10 डिज़ाइन करके वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मेरा रूमाल नहीं है, वो जिगजैग वाला रूमाल नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं ख़रीदने के लिए। तो गाइस, देख सकते हैं बारिश की वजह से पूरा रास्ता ख़राब हो गई है। तो गाइस, हमें जिगजैग रूमाल नहीं मिला, ये कॉटन वाला मिला। हम यही लेके जा रहे हैं अभी, देख सकते हैं दुकान से। हम रूमाल लेकर घर पहुंचने ही वाले हैं, देख सकते हैं ये बारिश होके क्या हो गया सब। तो ठीक है, फिर घर जाके बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं नूपुर और मेरी चैनल सुभाष नूपुर ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये देखकर पता ही चल गया होगा कि आज हम रूमाल टकिंग का वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइज, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और प्लीज़ फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा। तो हम जिगजैग वाला रूमाल ख़रीदने के लिए गए थे, लेकिन हमें नहीं मिला, तो हम ये वाला कॉटन वाला लेके आए हैं। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हमें भी उतना नहीं पता, फिर हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, पहला डिज़ाइन बनाते हैं। तो देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसा। फिर हम दोबारा फोल्ड कर लेंगे ऐसा। फोल्ड कर देंगे ऐसा और यहाँ पे टैप कर देंगे, देख सकते हैं। तो ये हो गया, फिर हम दूसरा वाला करते हैं। तो ऐसा फोल्ड किया हुआ है, फिर हम एक बार फोल्ड कर लेते हैं। देख सकते हैं, और प्लीज बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई बैकग्राउंड लगा ही नहीं है, जैसा है वैसा ही वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, फिर से फोल्ड कर लेंगे वैसा ही। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं ऐसे करके। तो गाइज, इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो भाई फिर बना ही लेते हैं इस वीडियो को। तो हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ऐसा, फिर एक बार इस तरह से। और ऐसा फोल्ड किया हुआ है, तो आप इस तरह से भी इसको टक कर सकते हैं। इस तरह से तो गाइस देख सकते हैं, इस तरह से फोल्ड किया हुआ था। तो हम इसको फिर से एक बार कर लेते हैं फोल्ड ऐसा। तो मेरा बेटी आ गई, देख सकते हैं इस तरह से। सॉरी गाइस, पापा
वेज इस तरह से। फिर हम इसको खोल लेते हैं और यहाँ का जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा करके। फिर इसको हम ऐसा करके ना पापा इस तरह से इसको निकाल के तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने रुमाल को ले लिया है, ये वाला रुमाल जो अभी हम खरीद के लाए हैं। तो अभी हम बना रहे हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से हम फोल्ड कर लिए। इस तरह से करके आप यहाँ पे ये एक नंबर हो गया। फिर हम ऐसे किया हुआ था और फिर ऐसा करके दो बार ऐसा भी कर सकते हैं और इसको हाफ करके जैसा कि हमने फोल्ड किया था इसको हाफ करके ऐसा कर सकते हैं। तो तीन टाइप का हो गया दोस्तों। फिर हमको ऐसा किए फिर इस तरह से फोल्ड कीजिएगा ऐसा। और गायज जैसे कि ऐसा है तो आप यहाँ से लाइए तो गाइस हम फिर से फोल्ड कर लेते हैं इसको। और इस तरह से
देख सकते हैं, ऐसा भी टक कर सकते हैं, और कोई कोई तो ऐसा भी कर देता है इतना सा ना लंबा सा लेके, इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। देख सकते हैं, और गाइज फिर से फोल्ड कर लेते हैं। इस साइड को बाहर करके ऐसा भी कर सकते हैं। ये छोटू सा हो गया है, देख सकते हैं, और इसको हम टक कर लेंगे। देख सकते हैं, तो गाइस आज हम इतना ही करते हैं रुमाल का टकिंग। तो हमें भी खुद पता नहीं कि ये सब वीडियो कैसे बनाते हैं, हमें जैसा भी आया हम बनाए हैं। तो ठीक है, अगर इसका सेकेंड पार्ट चाहिए, अगर इससे ज़्यादा भी अच्छा वीडियो चाहिए, तो ठीक है गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो ठीक है, फिर वीडियो जैसा भी हो बस कमेंट कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लगता है हमें भी। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।